अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए अचारी चिकन बिरयानी लेके आई हूँ। अचार का नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये एक नेचुरल सी चीज़ है और ये होती भी बहुत चटपटी और मज़ेदार किस्म की बिरयानी है, तो आप लोग बनाइएगा। आखिर में तो मैं आप लोगों को सबको बताती भी हूँ, लेकिन मैं आपको शुरू में भी बता दूँ, जो लोग नए हैं जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको और अंदाज़ा होगा कि मेरे चैनल पे इजी वे में रेसिपीज़ होती हैं, क्योंकि मैं मोस्टली उन बच्चों के लिए जो बैचलर्स रहते हैं या न्यूली मैरिड बच्चियां हैं उनके लिए स्पेशली ये मैंने चैनल शुरू किया है। मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि हमें आप चैनल पर सिखाएँ, तो मैं उनके लिए स्पेशली ये बनाती हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत इजी वे में बहुत आसान रेसिपीज़ मेरे चैनल पे होती हैं। तो चलते हैं अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, अचारी बिरयानी बन रही है और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले चिकन है हमारे पास 1 kg, ये 1/2 kg टमाटर हैं और ये तकरीबन मीडियम साइज़ के 6 टमाटर बनते हैं। इसके अलावा 4 प्याज हैं मीडियम साइज़ की, जिसे मैंने तल के रख लिया है, और मैं आपके लिए इसीलिए मैंने ये इस तरह रखा है कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये देखें, मैंने इसको तल के एक छन्नी पे निकाल लिया था और यहाँ नीचे ये देखें तेल भी जमा हो गया, यानी इसमें से तेल निकल जाता है, छन्नी पे रख लें। हरा धनिया 1 कप, पुदीना 1 कप है, दही 1/2 kg है। इसके अलावा तेल हमने 1/2 कप लिया है और इसी तेल में मैंने ये प्याज फ्राई की थी। इसके अलावा साबुत गरम मसाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 बादियान के फूल हैं, ये तकरीबन 10 लौंगे हैं, 25 काली मिर्चें हैं और 2 ये जवतरी के फूल हैं। इसके अलावा लहसुन अदरक है, ये 2 टीस्पून भर के है जी। ये लेमन का जूस है 6 टेबल स्पून। तो 2 जो है हम ये मिर्ची रखी हैं, आपको नज़र आ रही हैं, इसमें हम ये मसाला भरेंगे और ये मसाला अचारी मसाला है जो जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इससे मैं पहले आपको अचार गोश बनाना सिखा चुकी हूँ और अब जो है मैं आपको अचारी चिकन भी बता रही हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी डिशेस हैं जो इसी मसाले से तैयार हो जाएंगी। तो इसको हम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून हम लेकर और उसमें 2 टेबल स्पून हम लेमन का जूस डाल के और इसमें हम स्टफ़ करेंगे। ये देखें, मैंने इसको काट लिया और इसमें से मिर्चे जो दाने थे वो सब साफ़ कर दिए। अगर आपके यहाँ ऐसी मिर्ची हैं जिसमें दानों में तेज़ी नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने सेफ़ साइड पर निकाल दिए हैं। ये तकरीबन 7 हरी मिर्चें हैं, आप छोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस ये ख्याल रखें कि मिर्चें बहुत तेज़ ना हों, माइल्ड सी हों या बिल्कुल फीकी हों तो बहुत अच्छी रहती हैं। इसके अलावा जर्दे का रंग है, ये मैंने इसीलिए इसमें चमचा छोड़ रखा है कि आपको दिखा सकूं कि ये 1/8 teaspoon होता है और ये मैंने ये लिया और इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल के रखा है। इसके अलावा ये बिरयानी एसेंस है, अगर बिरयानी एसेंस ना हो तो आप केवड़ा एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं आप अपनी कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, चावल हमने लिए हैं 1 kg और उसे मैंने नमक और 1 स्टिक दालचीनी के साथ उबाल लिया है। नमक का हिसाब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 कप में आपका जो वो होता है नमक, वो 1 teaspoon होता है लेवल। लेकिन अगर वो उस सूरत में कि आप जो चावल पका रहे हैं वो आप उसका पानी नहीं फेंकेंगे, अगर पानी आपने फेंकना है तो फिर आपको जो है उसका थोड़ा सा हिसाब रखना चाहिए। हमेशा याद रखें कि 1/2 पानी नमक निकल जाता है, इसलिए इसे डबल कर लेते हैं। तो मैंने जब 4 कप चावल लिए थे तो मैंने उसमें 8 चम्मच नमक डालकर उबाला है और वो उबल रहे हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम अब अपनी चिकन मैरिनेट करेंगे। ये चिकन तकरीबन 10 मिनट के लिए हम मैरिनेट करके रखेंगे। सबसे पहले हमने दही ले लिया सारा, उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक
साबुत जो हमारा गरम मसाला था, और उसके अलावा ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा है। अच्छा, मसाला आपको मैं बता चुकी हूँ, जिन्होंने जो ये मसाले की रेसिपी देख चुके हैं उनको पता है कि इसमें सिर्फ एक टेबल स्पून सॉरी नमक है, तो इसलिए हमने अभी सिर्फ 3 टेबल स्पून लिया है इसके लिए। और हम इसको जब मसाला भून लेंगे तो उस वक्त फिर चखेंगे, अगर हमको लगेगा कि इसमें मज़ीद ज़रूरत है तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे। चावल हमने उबाल के अलग रख लिए हैं, ये लीजिए, तो 10 मिनट का टाइमर लगा के हम जो है इसको छोड़ते हैं। और मैं इतनी देर में ये हरी मिर्चें जो हमारी हैं इनको फिल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं। और जी नाज़रीन, ये देखिए ये जो मसाला, इसे हमेशा थोड़ा सा मिक्स करें ताकि सब चीज़ें इसमें आएं। तो और ये 3, एक चीज़ मैं आपको, ये ऑप्शनल है टोटली, अगर आपको पसंद हो तो इस्तेमाल करें। जो चिकन थोड़ी सी मुलायम सी होती है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसमें अभी गोश्त में मीट टेंडराइज़र डालूँगी, वो थोड़ा सा ही डलेगा। अगर मीट टेंडराइज़र नहीं है, कच्चा पपीता है तो आप कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं। देखिए ये मसाले को मैंने इस तरह मिक्स कर लिया, इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी। जी नाज़रीन, देखें मैंने इसमें आधा चम्मच नमक भी शामिल कर लिया है। अब ये देख सकते हैं आप, ये खासा ड्राई ड्राई सा है, बहुत पतला नहीं कीजिएगा। और अब मैं इसको इस तरह तमाम मिर्चों में स्टफ कर लूँगी। देखिए ना, मैंने इन सब मिर्चों में इस तरह स्टफ कर लिया है। और अब जो है हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं, 10 मिनट भी हो गए हैं चिकन को। और एक चीज़ जो मैंने आपको वर्बली बताई वो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैं मीट टेंडराइज़र 1 टीस्पून, सिर्फ 1 टीस्पून। मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आप चाहें तो इसे मटन में भी बना सकते हैं, तो जब मटन में अगर आप बना रहे हो तो फिर आप इसमें जो है मीट टेंडराइज़र डबल कर लीजिएगा। जी नाज़रीन, हमने जिस तेल में प्याज फ्राई की थी वही तेल हमने आधा कप लिया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो इसी में, जब आप जिसमें प्याज फ्राई करें वो तेल में से 4-5 स्पून निकाल लें और आधा कप फिर आप इसमें इस्तेमाल करें। तेल तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम प्याज फ्राई की थी तो ज़्यादा ही इस्तेमाल किया था, और क्योंकि तेल पक्का हुआ है तो इसलिए मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। और टमाटरों को हम थोड़ा नरम करेंगे पहले। ये नाज़रीन, ये देखिए टमाटर जो हैं हमारे ढक दिया था उस पर, और अब ये काफ़ी हद तक नरम पड़ गए। अभी भी कसर है, इसी पॉइंट पे जब इसमें थोड़ी कसर हो तो हम ये प्याज जो हमने तली थी, 4 दरमियाने साइज़ की प्याज थी ये, और इस प्याज में से आधी प्याज तकरीबन आधी है, आधी से बिल्कुल थोड़ी ज़्यादा, ये बाकी की हम दम के लिए बचाएंगे। और ये मैं इसमें डाल के अब हम इसको तेज़ आंच पे पका के इसका पानी कुछ करेंगे, और हल्के हाथ से इस तरह इसको करेंगे ताकि इसमें से टमाटर जो है वो गल के नरम पड़ जाए बिल्कुल। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप कि हमारे प्याज टमाटर मिक्स हो गए हैं, टमाटर भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब मैं इसमें ये चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी हम वो शामिल करेंगे। अब इसको हम तेज़ी आंच पर पकाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसमें हमने मीट टेंडराइज़र डाला हुआ है और दही का पानी जो है ये काफ़ी है, और हम इसको अगर आंच हल्की कर दी तो हमारी चिकन हलवा हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ,
कि चिकन मेरी फ्रीज़र की थी, मैं हमेशा चिकन एक दिन पहले लाकर और इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो उससे ये होता है कि हमारी चिकन अच्छी जूसी टेंडर हो जाती है। अगर आप फ्रेश पकाते हैं तो उसे गलने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और वो जो है उसमें जो है वो थोड़ा सा इतनी जूसी नहीं बनती है। नाज़रीन देखें, इसका पानी खुश्क हो गया है, और पानी का दही जो था दूसरे, ये मैंने इसमें देखें ऊपर ही, इसलिए मैंने मिक्स नहीं किया कि मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच जो हमने अचारी मसाला बनाया हुआ है वो भी डाल दिया, यानी अब इसमें टोटल 5 चम्मच जा चुके हैं। अगर आप लोग मिर्चे ना डाल रहे हो, अगर आपको मिर्चे नहीं पसंद, तो आप फिर इसको 6 चम्मच कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि मैं मिर्चे भी डाल रही हूँ, ये मिर्चे डालेंगी, देखें ये भरी हुई है, इसमें भी मसाला है, तो इसलिए मैंने इसमें इसको 2 चम्मच का इजाफा किया। अब मैं थोड़ा सा इन मिर्चों को इसमें इस तरह कर दूंगी कि ये थोड़ी सी इसमें मसाले में मिक्स हो जाए, और मैं इसे 5 मिनट के लिए इस तरह दम दूंगी। ये आप देख सकते हैं, खाना मैंने मिर्चों को मसाले में दबा दिया, तेल बाहर आ गया, अच्छे से भुन गया ये मसाला, और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, और 5 मिनट बाद में चूल्हा बंद करके इसको जो है चावलों के साथ दम देंगे। जी नाज़रीन, अब हम चावलों के दम की तरफ आ गए हैं, मैं आपको चावल दिखा दूं। ये देखिए जी नाज़रीन, ये चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, सिर्फ नमक और दालचीनी डालकर ये हमने तैयार उबाल के, अब इसमें मैंने आधा कप से थोड़ा कम पानी डाल दिया है ताकि नीचे स्टीम बन सके, और मैं अब इसमें ये देखिए 1 टेबल स्पून जो है घी डाल दूँगी, और इसको मैं अच्छी तरह फैला दूँगी ताकि नीचे के चावल लगे भी नहीं और उनमें स्टीम बन जाए। ये देखिए इस तरह मैं इसको ये कर दूँगी, और अब मैं इस पे लेयर बिछाऊँगी। ये देखिए नाज़रीन, मैंने अब तक मैंने आपके सामने जो किया वो आपको दिखाया, अब मैं इसमें बीच में, और ये देखिए, अच्छा मैंने अभी तक इसमें हरी मिर्चें शामिल नहीं की थी जो मैंने उसमें आपको दिखाई थी, ये देखिए ये अब मैं हरी मिर्चें ऊपर से इस तरह अलग से ही हरी मिर्चें ऊपर से रखिएगा, वरना आपकी हरी मिर्चें अंदर चावलों में दब के उसकी सारी जो क्रंच है, थोड़ी सी क्रंच छोड़ रही है, वो क्रंच खत्म हो जाएगा। इस वक्त मसाले की बहुत मज़ेदार किस्म की, और जिसे आप ये कहें अचारी से खुशबू आ रही है, अब हम इस पे जो मैंने आपको बताया था हम घी डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा घी हम इस पे तकरीबन 1 टेबल स्पून हम घी नीचे डाल चुके हैं, और तकरीबन 2 टेबल स्पून हम ऊपर से डालेंगे। फूड कलर एक साइड में डालें, पूरे चावलों में ना डालिएगा, और ये हमारा एसेंस या केवड़ा, ये देखिए, और अब हम इसे सील करेंगे एल्युमिनियम फॉइल से नीचे, क्योंकि हमने पानी डाला था, और हल्की आंच बिल्कुल लो फ्लेम पे ये सब रखा हुआ है,
तो उसमें स्टीम बनना शुरू हो चुकी है। ये लीजिए नाज़रीन, मैंने इसको लिड लगा दिया, अच्छी तरह टाइट कर दिया है। और अब मैं इसको हल्की आंच पे तकरीबन 15 मिनट मैं इसको दम पे रखूँगी, और फिर उसके बाद जो है चूल्हा बंद करके फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट बाद, ढक्कन हमेशा चावलों का चूल्हा बंद करने के 10 मिनट बाद खोलना चाहिए। इससे जो अंदर उसकी स्टीम होती है वो चावलों को अच्छा सा रखती है, तो इसलिए कभी भी एकदम ढक्कन ना खोलें, ये बात ख्याल रखिएगा। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट कर। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार अचारी बिरयानी तैयार है, चटपटी सी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर फील फ्री आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत इजी रेसिपीज़ होती हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।